अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हैं। सो आज की रेसिपी आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बोटी कबाब। मैं मटन का बना रही हूँ, लेकिन मैं जो अगर आप लोग को किसी को बड़े का बनाना है तो उसका मैं टाइमिंग आपको बता दूंगी। और कल की मैंने रेसिपी बनाई थी अफगानी मलाई सीख कबाब। सो आप लोगों ने प्लीज जाके देखिए, अगर नहीं देखा है व्लॉग तो व्लॉग आ चुका है और जाके देखिए। हाँ सो आज हम लोग वही, आज ये बकरीद स्पेशल अभी चल रही है वीक में, सब जो जो बनाते हैं बकरीद में, सब जो चाहत होती है सबकी बनाने, कबाब्स वगैरह, कबाब वगैरह सब शौक से खाते हैं। तो आज हम बनाएंगे बोटी कबाब। तो बोटी कबाब बनाने के लिए यहाँ मैंने पहले से कुकर चढ़ा दिया था, इसमें मैं 1 kg पूरा मटन डाल दूंगी। इसमें तेल नहीं है, ऑयल नहीं डाला है, वो पानी है ज़रा सा। इसमें 3 tablespoons मैंने दही डाली, खट्टी दही डाली है, और 1 medium size की अनियन मैंने चॉप करके इसमें डाला है। जी हाँ, अच्छा 2 teaspoons मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, 2 teaspoons मैंने नमक डाला है, और पानी ना एकदम, मतलब दही भी पानी छोड़ेगी और प्याज भी पानी छोड़ेगी, इसे पानी मैंने सिर्फ 1/2 cup डाल के इसको चढ़ा दिया था, और 3 whistles के बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रख दिया था। हाँ अभी मैंने, आपने देखा होगा जैसे कि मैंने ऑलरेडी मैंने मटन को मैंने चढ़ा दिया है गैस पे, कुकर बंद कर दिया, लेट बंद कर दिया मैंने, और उसकी जब 6 सीटी हो जाएगी, मतलब कुकर तो ऐसी भी ज़्यादा सीटी देने, कुकर में 2-3 whistles हो जाता है, इसको आप 10 मिनट के लिए आप हल्के आंच पे स्लो फ्लेम पे रखिएगा, वो ऑलरेडी टेंडर मतलब नरम हो जाएगा, तो ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं। हाँ लेकिन अगर जो बड़े का बना रहे हैं तो उनको ऑलमोस्ट 3 से 4 सीटी अगर हो जाए उसके बाद आप 20 minutes के लिए तब उसको आप स्लो फ्लेम पे रखिएगा, आपका फिर हो जाएगा। और एक बात, हम लोग को एकदम हलवा नहीं करना है ये, क्योंकि हमको बोटी कबाब बनाना है, ये बाद में फ्राई भी होगा। सो इतना भी आप लोग मत कर लीजिएगा, अगर आप बनाते हैं कुकिंग करते हैं तो आपको इतना तो आइडिया होगा कि मटन कितनी देर रखना है और बड़े का जब बनता है तो वो उसको कितनी देर रखते हैं। तो चलिए व्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू रहिए और देखते हैं कि कैसे बनाते हैं बोटी कबाब। अल्लाह हाफिज। हाँ सो मैंने अभी चढ़ा दिया है कुकर में मटन को, तो बस इस दरमियान मुझे कुछ काम था, स्पेंसर से कुछ सामान लेना, तो हम स्पेंसर जा रहे हैं। तो स्पेंसर के आने के बाद जब तक मैंने मतलब मैंने शाहजा को भी बता दिया कि कितने देर में बंद करना है, आने के बाद मैं फिर दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से बोटी कबाब बनाती हूँ। चलिए अब कौन सा वाला? हाँ अम्मी वाला खाती, चीज़ वाला आप भी तो खाते हैं। उमा के लिए शैम्पू लेना है, राइट, उसका शैम्पू पूरा हम लोगों ने यूज कर लिया रखी उसमें रखी। पॉपकॉर्न तो ले लीजिए, बहुत फेवरेट है, और ले लीजिए। खोल दे रहे शादी, कल देख रहे तुमको, सी वो क्रीम खोल देगा। बाय बाय शाज़ेन। हुमा मम्मी का है, माजा नहीं है, क्रीम। सो फ्रेंड्स अभी स्पेंसर से जस्ट आए हैं और भूख लगी थी, तो हमने झट 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 झट, क्योंकि मैं आपने तो देखा कि मैंने अभी तक कुकर बंद हो गया है, लेकिन मैंने अभी निकाल के देखा नहीं है कितना पानी है कितना नहीं, तो उससे पहले अभी 6:30 बज रहे हैं शाम के, तो मैं इससे पहले मैं क्या करूँ, बहुत भूख लग रही थी, मैंने बटर गार्लिक चीज पराठा बनाया है, छट छट बनाया है, और यकीन मानिए इतना यमी बना है, आपके साथ शेयर करेंगे किस तरीके से बनाया है, और जरूर से जरूर बनाइएगा, ये मैंने पर्सन ट्राई करा एंड बहुत ज़्यादा यमी है, और बच्चों को उस वो एक पराठा इतना बड़ा बना था कि हम लोगों ने शेयर कर खाया था। और दूसरी बात, हाँ ब्लॉग में देख लीजिएगा, उसी के बाद मैंने क्या क्या प्रोसीजर आगे कैसे बनता है बोटी कबाब सब मैंने दे दिया है वीडियो, आप वीडियो बने रहिएगा और देख लीजिए
क्या करा था। जब मैं स्पेंसर से आ गई थी तो मैंने देखा कुकर खोल के इसमें पानी था, तो मुझे इसको सुखाना था, पानी एकदम नहीं रहना चाहिए, तो मैंने इसको पूरा ड्राई करने के लिए पूरा फुल फ्लेम में रख के मैंने देखी पूरा पानी सूख गया है। अब जब सूख गया था तो मैंने इसको बोल में निकाल के रख लिया। चलिए अब मसाला बनाते हैं बोटी कबाब का। अच्छा एक बात याद रखिएगा, मैं जो मसाला बना रही हूँ ये मैं एडवांस में ज़्यादा करके बना रही हूँ ताकि मैं इसको स्टोर करके रख सकूँ फिल। ये सब बनाने के बाद मुझे सिर्फ 2 टीस्पून चाहिए। तो मैं चलिए इसमें मैंने यहाँ 2 टीस्पून गरम मसाला ले लिया है, 2 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर ले लिया है, 2 टीस्पून मैंने यहाँ जीरा पाउडर लिया है, 2 टीस्पून आप काला नमक ले लीजिएगा, 2 टीस्पून मैंने यहाँ आमचूर का पाउडर लिया है। अगर आमचूर पाउडर नहीं है आप टाटरी भी ले सकते हैं। तो बस इन सबको मिला के इसमें से, और हाँ नमक भी लिया था, इन सबको मिला के इसमें से मैंने सिर्फ 2 टीस्पून मसाला डाला था। ये बोटी कबाब का मसाला मैंने पहले से ही प्रिपेयर करके रख लिया है। अच्छा तवे पे मैंने 3 टेबलस्पून अराउंड मैंने बेसन लेके, चने का बेसन लेके उसको भून के निकाल लिया है। अब ये देखिए मैं इसमें पहले डाल दूँ बेसन, मैंने डाला, उसके बाद ये 2 टीस्पून मैंने निकाल लिया था मसाला, ये पूरे डाल लिए मैंने। फिर मैंने 2 नींबू को निचोड़ के अच्छे से निकाला था, तो इसमें 2 नींबू मैंने डाल दिया, उसका रस निकाल दिया। इसमें मैंने अराउंड 1 टीस्पून मैंने फूड कलर ऐड करा है। कलर से ही बहुत अच्छा, देखने से भी अच्छा लगता है, कलर अच्छा आना चाहिए। अच्छा ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने जब मिला रही है तो मुझे पानी की ज़रूरत है, एकदम 2-3 ड्रॉप पानी ले लीजिए। और फिर इसमें मैंने अराउंड टू टीस्पून मैंने खट्टी दही डाली है, और हाथों में ड्राई मेथी लीव्स को क्रश करके इसमें डाला है। बस इन सब को पूरा अच्छे से आप मिला के इसको मैरिनेशन किए हमारा अराउंड 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। जी हाँ, तो 30 मिनट्स हो जाएंगे तो आप फिर गैस पे कढ़ाई चढ़ाइएगा, उसमें हल्का सा बटर एंड ऑयल मिला के डाल दीजिएगा, और फिर इसको आप एक एक करके आप फ्राई करिएगा। माशाल्लाह से ये बन के इतने मज़े के हो रहे थे, और यकीन मानिए कि इतने सॉफ्ट हो गए थे और एकदम अच्छे से मतलब नरम हो गए थे और बहुत मज़े के बने थे। इसी वजह से मैंने बोटी कबाब का मसाला ज़्यादा बना के स्टोर कर लिया कि मुझे बकरीद में काम आ सकता है। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये चटनी भी मैंने बनाई है, मैंने इससे पहले भी ब्लॉग में चटनी आप लोग को दिखाई थी कैसे बनाई है, तो बस चाहिए देखिए। बटर गार्लिक चीज़ पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 पेड़े का आटा उसको रोल कर लिया था, और यहाँ पर मैंने एक मिक्सर रेडी करा था जिसमें बटर गार्लिक चॉप थे, कोरिएंडर लीव्स थी, ग्रीन चिलीज थी, ओरिगैनो पाउडर था, और क्या बोलते चिली फ्लेक्स था, सबको लेके मैंने स्प्रेड कर लिया था पूरा उसमें, और अनियंस बची हुई, अनियंस रखी हुई थी। अगर आपके पास लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स है या चिकन रखा हुआ है रात का, तो उसको आप वॉश करके इसमें डाल लीजिएगा। और डालने के बाद में इसमें मैंने 2 स्लाइस मैंने चीज़ के डाल लिए थे, और डालने के बाद उसको रोल करके वापस मतलब बंद करके वापस से रोल कर लिया था बहुत हल्के हल्के हाथ से, क्योंकि ऑलरेडी आपका डो एकदम सॉफ्ट है प्लस बटर डाला हुआ है, तो बहुत आराम से आपको करना है। और उसको फिर रोल करके मैंने तवे पे उसको बटर से उसको अच्छे से तल लिया था पराठे को, और यकीन मानिए इतने मज़े का था कि चीज़ ना मतलब ऊज आउट हो रही थी, मेल्ट हो रही थी, पराठे जब पराठा तोड़ रहे थे तो चीज़ मेल्ट होके गिर रही थी उसमें से। और हाँ जब बना के निकाल लीजिएगा ना, जो आपका बचा हुआ बटर था हल्का सा ऊपर से आप उसको गार्निश की तरह लगा लीजिएगा, उसका अच्छा लगेगा फ्लेवर।